जय राधा माधव कुंजा बिहारी, जय राधा माधव कुंजा बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तेरा बन चारी, यमुना तेरा बन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तेरा बनचारी, यमुना तेरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तेरा बन चारी, यमुना तेरा बन चारी, सुपात परम पर राज कचार श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्री श्रीमद भगवद गीता की जय, भक्ति वेदांत तात्पर्य की जय, मिटाई गौर परमानंदे, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज ऑल गौरांग औरांग हरि हरि बोल। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुन्मीतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः, श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं, वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंशाकल्पतरूभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो हम लोग भगवद गीता के चौथे अध्याय को पढ़ रहे हैं। भगवद गीता के चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण भगवद गीता जिसे योग विद्या के नाम से जानते हैं उसका इतिहास वर्णन करते हुए कहा कि हे अर्जुन इमं विश्वस्ते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम व्यश्वान मनवे प्राह मनु इच्छाक्वे अब्रवीत। कहते हैं सर्वप्रथम मैंने ये योग विद्या जो भगवान के साथ संबंध स्थापित कराता है इस विद्या का ज्ञान सबसे पहले वैश्वान के देवता सूर्य के देवता वैश्वान को दिया था। वैश्वान मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुः राजर राज और ऋषि ये ज्ञान इस प्रकार से परंपरा के द्वारा एक के बाद दूसरे दूसरे के बाद तीसरे जैसे किसी वृक्ष के ऊपर कोई चढ़ा हुआ है उस वृक्ष से फल तोड़ करके नीचे आदमी को पकड़ाए नीचे वाला उसके नीचे वाले को दे इस प्रकार से फल नीचे आएगा। तो व्यक्ति में अंतर होता है लेकिन फल में कोई अंतर नहीं होता, सेम ही फल नीचे आ रहा है। उसी प्रकार से भगवान ने ही परंपराएं कहते हैं भगवान खुद ज्ञान स्थापित करते हैं। ये भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, मनुष्य के द्वारा नहीं। जैसे हमने चर्चा किया कि मनुष्य के दिए हुए ज्ञान में कई दोष होते हैं लेकिन भगवान के दिए हुए ज्ञान में कोई प्रकार का दोष नहीं है। तो कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुः सकाल ने महता योगो नष्ट परंत। इस प्रकार से ज्ञान परंपरा के द्वारा आ रहा था लेकिन समय आने पर बहुत ही असाधु व्यक्ति इस भगवत गीता पर टिप्पणियां और टीका लिख करके इस ज्ञान के लुप्त को ज्ञान के उद्देश्य को लुप्त कर दिया। इसलिए भगवान को फिर से इस ज्ञान को स्थापित करने की आवश्यकता पड़ रही है, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने चर्चा किया था ज्ञान में कभी परिवर्तन नहीं होता है, केवल अज्ञान में ही परिवर्तन होता है। तो ये परंपराएं केवल भगवान से, जब तक हम किसी परंपरा से संबंधित नहीं होते हैं तो हमें शुद्ध ज्ञान नहीं मिल सकता है। भगवान अलग अलग व्यक्ति को यंत्र बना करके परंपरा स्थापित करते हैं। इस पृथ्वी पर चार प्रकार की परंपराएं हैं, संप्रदाय है। एक ब्रह्म संप्रदाय है,
दूसरा श्री संप्रदाय है, तीसरा शैव संप्रदाय है या रुद्र संप्रदाय, चौथा कुमार संप्रदाय है। तो चारों संप्रदायों में भगवान ने ज्ञान दिया है। एक बार भगवान ने ज्ञान ब्रह्मा को दिया, हम सभी जो भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं ये ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा की परंपरा से संबंधित है। और फिर भगवान ने एक बार ज्ञान लक्ष्मी को दिया, वहां से स्त्री संप्रदाय प्रारंभ हुआ। फिर भगवान ने ज्ञान महादेव शिव को दिया तो शिव संप्रदाय हुआ, और इसी प्रकार से चतुर कुमारों को ज्ञान दिया तो कुमार संप्रदाय हुआ। तो संप्रदाय विहीन मंत्रस्थ निफला मता, यदि कोई व्यक्ति संप्रदाय से विहीन है, संप्रदाय से संबंधित है नहीं है, तो वो मंत्र जप करने का कोई खास फल नहीं मिलता है। तो इसलिए संप्रदाय की स्थापना भगवान करते हैं और इस संप्रदाय की परंपरा से संबंधित होना चाहिए, तभी हमें शुद्ध ज्ञान मिल सकता है। जब यह संप्रदाय, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जब ये लिखते हैं, 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इस इतने संस्करण उपलब्ध हैं कि उनमें से प्रायः सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं। रूपा जी तात्पर्य लिखते हैं कि भगवान जब देखते हैं कि ये परंपराएं लुप्त हो गई हैं या टूट गई हैं, अनवांछित लोग अप्रमाणित लोग इस भगवद गीता पर अपनी विद्वता के अनुसार भाष्य लिखते हैं, तात्पर्य लिखते हैं, तो भगवद गीता का उद्देश्य बदल जाता है। भगवद गीता का उद्देश्य की दिशा बदल जाती है, जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए वो लोग जाते नहीं है। तो भगवान फिर स्वयं इस काल नेह महता योगो नष्ट परम तप, जब समय आने पर इस योग विद्या में त्रुटि हो जाती है, तो भगवान उस योग विद्या का अपने भक्त को माध्यम बना करके स्वयं उसका फिर से स्थापना करते हैं। इसलिए कहते हैं आज के श्लोक में हम पढ़ेंगे, अब दोहराइए, स एवायम माया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम हियेतत् उत्तमम। अनुवाद, हमारे पीछे दोहराने का कष्ट करें, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं, इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वे वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा की गई हैं वे व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते, वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मन गढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह चेतावनी है, मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवद गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। तो यहाँ भगवान कहते हैं स एवायम मया ते स एवायम मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः।
कहते हैं हे अर्जुन स एवा अयम माया ते अद्य, वही जो करोड़ों वर्ष पहले हमने जो ज्ञान सूर्य के देवता हुए श्वान को दिया था वही ज्ञान दे रहा हूं, दूसरा ज्ञान नहीं दे रहा हूं। तो कहने का अर्थ है ऐसा जादू नहीं है, भगवान भी आते हैं जादू नहीं करते हैं कि किसी के ऊपर जादू कर दिए देखा एक उसके पास ज्ञान का प्रकाश हो गया है, या कान में कुछ फूंक दिए कुछ बोल दिए उसके शरीर में बहुत अंतर आ गया, ऐसा इस विज्ञान है इस प्रकार का नहीं है। हम देखते हैं समाज में लोग आते हैं कि आओ हमारे शरीर में तो ऐसे हो गया, हमारे फोटो से तो ये निकलने लगा, हमको ये हो गया, हमको वो हो गया, ये जादू है, मैजिक है। तो भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं तो भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान का ये भगवान की एक एक लीला मायाबद्ध जीव के लिए मैजिक ही है, मायाबद्ध जीव कर नहीं सकता है भगवान का कोई कार्य। जैसे यहां कहते हैं कि हे अर्जुन इदम विश्वस्त योगम, हमने ये ज्ञान सूर्य के देवता विश्वान, ये मैजिक है मनुष्य के लिए, ये समझ नहीं सकता है, क्योंकि सूर्य के निकट पहुंचने से आदमी बच भी नहीं सकता है, एकदम जल करके राख हो जाएगा। लेकिन भगवान वहां जाकर के दिए, इसका अर्थ है सूर्य लोक में भी जीव हैं, वहां के राजा का नाम का वर्णन करते हैं और वहां के जीव की शरीर अग्निमय है। हम जैसे पृथ्वी पे रहने वाले जीव हैं, हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, पृथ्वी का अंश अधिक है, जो पानी में जीव रहते हैं तो पानी का अंश उसमें अधिक होता है। इस प्रकार से हवा में जीव को सर्वगतः कहते हैं, जीव हर जगह जीवात्मा जाके रह सकती है। तो जीव को ना तो आत्मा अगर पढ़ेंगे आगे, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती है, पानी भिगो नहीं सकता है। तो आत्मा जहां जाती है उस वातावरण के अनुसार उसको एक शरीर मिलती है जिससे वो वातावरण में रह सके। तो वास्तव में देखा जाए तो भगवान एक ढंग से मायाबद्ध जीव के लिए ये तो मैजिक है, और इसीलिए अर्जुन आगे प्रश्न करता है कि आप ये तो जादू जैसी बात कर रहे हैं। हैं आगे आप अर्जुन का प्रश्न आएगा, अर्जुन कहता है कि बहुने में वितितानि, सॉरी अर्जुन कहता है कि हे भगवान अपरो भावतो जन्म परम जन्म हुए स्वतः, ये आप कैसी बार बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, ये तो मैं जानता हूं आपका तो अभी जन्म हुआ। देखिए सूर्य के देवता विश्वान ये तो बहुत पुराने हैं, ये तो एक ढंग से जादू है मायाबद्ध जीव के लिए। तो मायाबद्ध जीव जो जो चीज को समझ नहीं पाता है, जो चीज को कर नहीं पाता है, उसको करके कोई दिखाता है तो सोचता है जादू है, ये जादू है। जादू का अर्थ है कि वो कोई कर नहीं सकता है, या कोई व्यक्ति असत्य को सत्य प्रकट करे, जैसे कोई व्यक्ति आंख से पानी निकाल देते हैं, हम देखते हैं जादूगर आते हैं नोट को जला करके पानी से निकालते हैं, वास्तव में तो नोट जली न तो कुछ हुआ, कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ही एक बार भगवान का, इसलिए मायाबद्ध जीव के लिए भगवान का की लीलाएं और जादू जैसे लगती है, समझ नहीं पाता है। लेकिन भगवान वास्तव में जादू नहीं करते हैं, उनकी लीलाएं परम सत्य हैं, वो करते हैं। एक बार की घटना है, एक ऐसे ही जादूगर लोग थे तो राजा के दरबार में जादू दिखाने के लिए गए, सर्कस जिसको बोलते हैं, ऐसे कला दिखाने के लिए गए। तो वहां तो उन्होंने बहुत कलाएं दिखाया और उनको राजा और रानी बहुत खुश हुए, बहुत पुरस्कार दिए। फिर अंत में अंत के सीन जब दिखाया तो अंत में जब संपूर्ण कलाओं को दिखाने के बाद अंत का सीन क्या था कि ये आपस में पति पत्नी थे, 3 बच्चे थे, ये लोग ऐसे प्रदर्शन कर रहे थे जादू का। तो
राजा के सब राजा रानी ने उनका हार दिया, रानी ने अपना हार पुरस्कार में दिया, राजा ने बहुत संपन्न दिया। इसके बाद अंत में वो पुरस्कार लेने के बाद आपस में झगड़ा करने लगे, बांटने के लिए झगड़ा करने लगे। पति पत्नी से झगड़ा हो गया, बच्चों से झगड़ा हो गया, सब राजा और सब मंत्री के समक्ष ही झगड़ा होने लगा। झगड़ा में क्या हुआ, वो झगड़ा में तुरंत एक दूसरे तलवार निकालकर एक दूसरे का वध कर दिए, गला काट दिए सबके समक्ष, सबके समक्ष। तो जब ये काट दिए तो राजा को बहुत दुख हुआ, रानी को बहुत मातम छा गया सब। तो राजा तो और रानी उठ के चले गए, सब सभा समाप्त हो गई दुख में। थोड़े दिन के बाद एक लेटर आया, एक लेटर राजा के पास आया कि हे राजन, आपने तो हमको बहुत पुरस्कार दिया लेकिन अंतिम सीन का कोई पुरस्कार नहीं दिया। तो ये अंतिम सीन और एक भी कला थी उनकी, वो मरे नहीं लेकिन सबको लगा के एक दूसरे को मार दिए। सबको दिखाए। तो कहने का अर्थ है मायाबद्ध जीव जो कार्य को कर नहीं सकता है उसको लोग सोचते हैं ओ बहुत आश्चर्यजनक कार्य हो, जादू ही है, जादू ही है। तो भगवान इस प्रकार वास्तव में देखा जाए तो भगवान के की कोई भी लीलाएं मायाबद्ध जीव उसको समझ नहीं सकता है, तो उसको जादू मानता है, इसलिए वो सोचता है झूठ है, ये सत्य नहीं है। ऐसा नहीं है, भगवान जब आते हैं वो ऐसे जादू नहीं करते हैं, वो सिस्टमेटिक शिक्षा देते हैं। सिस्टमेटिक अगर भगवान चाहते तो युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, भगवान की इच्छा मात्र से ही इस सृष्टि की रचना होती है, भगवान की इच्छा मात्र से ही इस सृष्टि का महादेव शिव के द्वारा विनाश हो जाता है, इच्छा से। तव इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन, तव इच्छा मते विष्णु करे न पालन, तव इच्छा मते माया सृजे कारागार। भक्त विनोद ठाकुर लिखते हैं भगवान तुम्ही तो सर्वेश्वरेश्वर नंद कुमार, हे नंद मामा बाबा के बच्चे, आप तो ईश्वरों के भी ईश्वर हो, केवल आपकी इच्छा पूरा करने के लिए ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, केवल आपकी इच्छा पूरा करने के लिए आप स्वयं विष्णु के रूप में पालन करते हैं, और जब समय आता है कि आपकी इच्छा से ही महादेव शिव जी इस पूरी सृष्टि का विनाश कर देते हैं। तो हर चीज तो भगवान कुछ भी चाहते कर सकते हैं, लेकिन भगवान कहते नहीं अर्जुन तुम लड़ो, इस युद्ध मैदान में लड़ो, अपने कर्तव्य को करो, करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि भगवान आके जादू दिखा देते हैं, जैसे बहुत ऐसे संसार में ऐसे प्रचारक हैं, ऐसे साधु हैं, लोग उनको मानते हैं और ये तो जादू हो गया, ये तो जादू हो गया। लोग बोलते हैं अरे बीमारी तो उनको जादू जैसे ठीक हो गई, कभी बीमारी जादू से ठीक होती है? तो अगर जादू से बीमारी ठीक हो जाती तो संपूर्ण हॉस्पिटल बंद हो जाती, कोई हॉस्पिटल की जरूरत नहीं रहती। लेकिन लोग इतने अज्ञान में हैं कि ऐसे अंधश्रद्धा में ऐसे मानते हैं। तो भगवान इस प्रकार के आखिर प्रदर्शन नहीं करते हैं, भगवान कहते हैं वो सिस्टमेटिक ज्ञान देते हैं, कहते हैं हे अर्जुन स एवायम मया अद्य योग प्रोक्त पुरातन, वो सबसे पुराना जो योग था वही मैं स्थापित करने आ रहा हूं, वही, क्योंकि उस योग की हमने पहले पढ़ा, इस भौतिक जगत में मनुष्यों के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक, क्योंकि इस योग विद्या के अभाव में मनुष्य पशु है, मनुष्य जीवन पर प्रगति नहीं कर सकता है, इसलिए योग विद्या इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं इसलिए दे रहा हूं भक्तों से मैं सखा चेती, तुम हमारे भक्त हो, ये ज्ञान भक्तों के लिए है। भगवान ने भक्त अर्जुन को दिया, अर्जुन क्योंकि भक्त थे। हालांकि महाभारत के युद्ध में देखे तो बड़े बड़े पर्सनालिटी थे, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, वो भी भक्त ही थे, लेकिन अर्जुन भगवान का बहुत प्रिय था,
तो कोई अपनी कोई भी बहुमूल्य वस्तु प्रिय को देते हैं तो प्रिय उसके महत्व को समझ सकता है जो प्रिय है। तो अर्जुन भगवान के बहुत प्रिय हैं इसलिए उनके मित्र हैं। जब कोई सेवक कोई सेवक मित्र की भूमिका निभाता है, सेवक ही मित्र होता है, सेवक ही सुहृद होता है, सेवक ही बंधु होता है। जब तक किसी में सेवक, यहां भौतिक जगत में ही जब व्यक्ति कोई आपकी सहायता करता है तो हो सकता है मित्र के रूप में प्रकट होता है, बंधु के रूप में प्रकट होता है, संबंधी के रूप में प्रकट होता है। वही को उसी को आप संबंधी बनाते हैं। हर व्यक्ति को न तो कोई मित्र बना सकता है न तो संबंधी बना सकता है। तो भगवान के परम सेवक अर्जुन थे इसलिए कहते हैं भक्तो सिचे सखा में। जब हम भक्त कहते हैं सखा का अर्थ है और निकट संबंध, एक भक्त के साथ मित्रता का संबंध भगवान जोड़ लेते हैं, ये है, इसको ही भक्ति कहते हैं। इसलिए भक्ति आनंदमयी है, ऐसा नहीं है कि भक्त अलग अलग रस में भगवान की सेवा करते हैं। तो अर्जुन यहां सख्य रस में इतने परम भक्त हैं कि सख्य रस में भगवान की सेवा कर रहे हैं और अर्जुन भूल जाते हैं को सखा है। इसलिए भगवत गीता में कहते हैं हे भगवान सखेति मत्वा प्रसभम यदुत्तम। मैं तो आप जब भी स्वरूप देखने के बाद तब उनको अनुभव हो हमारे। कभी कभी होता है मित्रता में हम भूल जाते हैं हमारा मित्र कैसे है। जब कभी कभी पता चलता है हमारा मित्र बहुत महान है तब हम याद करते हैं हमने उसके साथ तो इतना दुर्व्यवहार किया, ऐसे बातचीत में झगड़े कर लेते थे, फाइटिंग कर लेते थे खेल खेल में, लेकिन इतना महान के साथ। तो अर्जुन जब विश्व रूप देखते पहले तो अर्जुन यही देख रहे थे कि दो हाथ हैं दो पैर हैं ऐसे ही, लेकिन जब विराट रूप देखा तो अर्जुन की आंखें खुल गई तो कहने लगे कि तुमादि देव पुरुष पुराणम तुमस्य विश्व से परम देव। आप तो मेरे जो जिनको मित्र समझता था वो देवताओं का भी देव है, देव आदि देव है और सबसे पुराना पुरुष है। तो यहां हमको ये समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि अर्जुन मित्रता के कारण उनको भगवान माना, ना ना, अर्जुन कहता है कि आप देवताओं के भी देवता हो और सबसे पुराने हो, संपूर्ण विश्व के निधान हो। अर्जुन पूर्ण ज्ञान में बोलता है, पूर्ण ज्ञान में। हालांकि वो पहले अभी आप आएंगे इस श्लोक के बाद वो अपने मित्र को चैलेंज करता है, खुद ही चैलेंज करता है कि अपरो भावतो जन्म परम जन्म, ये चैलेंज है। आप हमको हमारे समक्ष बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन मैं जहां तक मेरा अनुभव है अभी तो आप देवकी के रूप में पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे और हम लोग समकक्ष हैं, एक ही एक समकक्ष हैं। तो इसलिए अर्जुन चैलेंज करता है, ऐसा नहीं कि अर्जुन अज्ञान में उनको मानता था। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं अर्जुन इसलिए चैलेंज करता है क्योंकि अर्जुन को पूर्ण रूप जब यहां भगवान कहते ये भक्तोसि मे सखा, तुम्हारे भक्त और इसका भक्त जब भगवान कहते हैं इसका अर्थ है कि भगवान को अर्जुन पूर्ण रूपेण जानता है, पूर्ण रूपेण जानता है। क्या तब अर्जुन का प्रश्न करने का क्या अर्थ है, जब उनको जानता है भगवान है तो उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वयस्वान को शिक्षा दे, इसमें क्या आश्चर्य है। भक्त का अर्थ है कि वो भगवान को तत्व से जानता है। तो अर्जुन जानता है उनको लेकिन फिर भी अर्जुन प्रश्न करता है, क्यों प्रश्न करता है, ये आचार्य जो है इस गुण रहस्य का वर्णन करते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में क्योंकि इस समाज में ऐसे आसुरी व्यक्ति हैं जो भगवान की शिक्षा को तो अपनाते हैं पर भगवान को नहीं मानते। तो ऐसे आसुरों के तात्पर्य से हम लोग को सावधान रहना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं दो प्रकार के जीव